कि हमारे एक आदिवासी परिवार के गृह प्रवेश के कार्यक्रम में उनके घर भी गया था। उस परिवार को भी अपना नया पीएम आवास मिला है। उस परिवार की खुशी, उनके चेहरों का संतोष मैं कभी नहीं भूल सकता। उस आदिवासी परिवार ने मुझे, मेरी बहन ने खुशी से खीरी भी खिलाई और जब मैं खीरी खा रहा था तो स्वाभाविक था कि मुझे मेरी माँ की याद आना, क्योंकि जब मेरी माँ जीवित थी तो मैं जन्मदिन पर हमेशा माँ के आशीर्वाद लेने जाता था और माँ मेरे मुंह में गुड़ खिलाती थी। लेकिन माँ तो नहीं है, आज एक आदिवासी माँ ने खीर खिलाकर मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। नमस्ते जी। सर आपको हमारे ग्रुप ऑफिस के लिए आपको धन्यवाद, हमारे आपके जन्मदिन पे आपके शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माँ के आशीर्वाद मिल गए तो ये भगवान में पूजा करते हैं। ठीक लग रहा है? यस सर, वो वाले घर से ये वाले घर बहुत अच्छा लग रहा है। ये घर बहुत अच्छा है? यस सर। वो वाला घर तो घर ही नहीं होगा। नहीं सर, यहाँ रोज खाना बनाने के लिए नई जगह था। हाँ। और लैट्रिन जाने के लिए नहीं था। हाँ। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सब अच्छा है? सब अच्छा है। हाँ। तो सब घर में ठीक से मेहमान भी आते होंगे अब तो? आते हैं सर। चलिए, आज मैं ही मेहमान बन गया। ये सर आपको तो हमारा बड़ा मेहमान है। आप लोग घर में जब घर प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं? पूजा करते हैं? हाँ। यहाँ कितने पर लोग रहते हैं, कितने परिवार हैं? आप चार लोग हैं। तो आपकी पढ़ाई क्या हुई? तो उसे दो ज्यादा है। सोने दीजिए, उसको नींद आ रही है। डॉक्टर को एक बार दिखा देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, थोड़ी तकलीफ होती है तो भी सुनाई नहीं देता, तो ठीक हो सकता है। एक योजना में चला रहा हूँ, यहाँ नहीं चलती, अब मुख्यमंत्री जी ने चालू कर दिया उसको। अधिकार मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा। तो साल में 5 लाख रुपया तक अगर कोई भी बीमारी है तो खर्चा जो है सरकार दे देगी। आपको और क्या क्या मिला यहाँ पर सरकार में व्यवस्था? गैस का चूल्हा मिला? आता है चूल्हे पर? गैस चूल्हा मिला। और क्या मिला? चावल। तो घर में पेंशन का पैसा आ जाता है, तब इनकी ताकत बढ़ गई होगी। फिर वो कहते होंगे बैंक से निकालो पैसा, मुझे खर्चा करना है। ऐसा हो जाता है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, घर भी अच्छा बनाया, पंखा भी लगा दिया आपने तो, बिजली आ गई है तो। इसकी फोटो लेनी है? अच्छा जी, जय जगन्नाथ।